हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक चूज़ किया है मैंने वो है एनर्जी एंड डायरेक्शन। अभी जो आपका एज है, मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका 19, 20, 21 मैक्सिमम ये एज होता है, ठीक है। सो ये एज में ना जो एनर्जी होता है वो अल्टीमेट पीक होता है। जब मैं आपके एज में था तो मेरी भी एनर्जी बहुत अल्टीमेट पीक में था, और जैसे जैसे आदमी का एज बढ़ता है ग्रेजुअली उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। बट पॉइंट क्या है कि जैसे अभी आपका जो एनर्जी लेवल है इसको सही डायरेक्शन दीजिए। अभी हम लोग अपना फुल एनर्जी है, पीक एनर्जी है, और उसको हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करने पे लगा देते हैं, घूमना फिरना ये वो, अनप्रोडक्टिव वर्क सारे जो हैं वो हम लोग अभी अचीव कर ले रहे हैं, उसको हम लोग कर ले रहे हैं और बहुत खुशी मिल रहा है। और आप क्यों कर ले रहे हो? बिकॉज आपकी एनर्जी अभी बहुत हाई है, यू आर एंजॉइंग इट एंड यू आर अचीविंग वॉट एवर यू वॉन्ट, बट ऑल यू आर अचीविंग इज अनप्रोडक्टिव थिंग्स, ओके। एंड आपका जो प्रोडक्टिव थिंग में जो टाइम जा रहा है वो हार्डली कुछ घंटे, 1 या 2 घंटे या 3 घंटे जा रहे दिन का। आज ये टाइम में आप ना 10 घंटे डालो अपने प्रोडक्टिव वर्क में, और फिर मज़ा देखो, फिर देखो डिफरेंस अपने लाइफ में। जब बाय द टाइम आपकी एज होगी 25, 26, यू विल बी द मोस्ट लीडर इन योर फ्रेंड्स ग्रुप या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं। मैं 23, 24 एज तक बहुत ही अनडिस्ट्रैक्टेड डिप्रेस्ड वाला सिचुएशन में था, बट समथिंग वर्कड आउट एंड आई वॉज लकी कि टीचिंग चल गया अचानक से एंड थिंग्स टुक अ टर्न, ओके। बट एवरीवन ही माइट नॉट बी दैट लकी, ओके। सो लकी होने के लिए यू हैव टू पुट हार्ड वर्क, वेरी वेरी हार्ड वर्क, ठीक है। बिकॉज मैं 24 या 23 से 16 घंटे दिन में काम करने लगा था, टीचिंग को क्लासेस लेने लगा था, तो लक सपोर्टेड मी, राइट। बट ये ज़रूरी नहीं कि आपको भी सिमिलरली सपोर्ट करे। तो आपको क्या करना है, आपको अपना फोकस जो है वो आज से ही एटलीस्ट 7 आवर्स 10 आवर्स प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगाइए, और जब तक वो नहीं होना उठो मत, ठीक है। मतलब बोलो कि हम तो भाई पूरा ये अपना टास्क कंप्लीट करेंगे एंड तभी करेंगे। आज भी आपको फोकस अपना सिर्फ एक ही चीज़ पे बनाए रखना है, वर्क वर्क वर्क। बिकॉज ये जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स जितने भी बाकी लोग हैं ये आपके काम नहीं आएंगे 4-5 साल बाद, ठीक है ना। लर्न टू से नो, जो भी आपको कहीं बोले यहाँ चल वहाँ चल, मना कर दो। जब तक आपका वो 10 घंटा का कोटा पूरा नहीं होता अपनी प्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, तब तक उनसे मिलो मत, उनसे बात नहीं करो, बोलो नहीं जाऊँगा, चाहे उनको बुरा लगे, चाहे वो उससे बात करना बंद कर दे, 1 साल 2 साल बात करना बंद कर देंगे। बट यही लोग हैं जो आपसे आके पूछेंगे आप मेरी मदद करो, या आपसे मिलेंगे जब आप सक्सेसफुल होंगे। बट अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो ना, ये 5 साल बाद ही आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, ठीक है। सो आज से वर्क हार्ड।